लोग का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं अभी निकाल रही हूँ मक्खन, घी निकाल रही हूँ। तो बहुत सारा छाली जमा हो गया था बहुत दिन से, तो सोचा मैंने कि घी निकाल लें। ये अब हो ही गया है, इसमें पानी मिलाना है। तो घर पे तैयार हो जाता है घी, घर में खाने लायक हो जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है और अच्छा भी रहता है। छाली ऐसे भी दूध में कोई खाता नहीं है, बच्चे लोग को खाते नहीं है, और इनको पसंद है तो इनका अभी प्रॉब्लम है, इसलिए इनको दिया नहीं जाता है। तो जो रहता है छाली निकाल जाएगा तो इसका घी निकल जाता है। और पहले मैं नहीं जानती थी घी निकालना, तो मैं अपनी जेठानी से सीखी, गिरजा दीदी है तो उनसे ही सीखी, वो बहुत अच्छा निकाल लेती है। मैं तो अभी भी परफेक्ट नहीं निकाल पाती हूँ अच्छी से, तो वो बहुत अच्छी तरह से निकालना जानती है। अभी थोड़ा बहुत सीख गए हैं, ऐसे पिंकी लोग भी निकाल लेता है, उन लोग भी, उन लोग को भी पता हो गया है कैसे निकालना है। तो इतना सारा मक्खन निकला है, इसको गर्मी के दिन में थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होता है, ठंडी में बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। ये आज क्या क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। और आज बच्चे लोग जा भी रहे हैं, आए हुए दो चार दिन हुआ ही था, अभी कॉलेज भी खुल गया है तो जी भी चली जाएगी, बाबू भी जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा दो तीन दिन में। आज भी जा रही है तो इसके लिए कुछ कुछ बनाना भी है, नारियल का मिठाई बनाना है, और देखते हैं क्या क्या करते हैं। पहले अभी नहा हुआ तो पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आगे और क्या होता है आपको सब शेयर करेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नया वीडियो नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे आप लोग से। आज मैं बना रही हूँ पके हुए, पके मैंने पका नहीं है पूरा पपीता, थोड़ा सा पका है, पका हुआ पपीता का सब्जी बना रही हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद है, ये रहा इतना लाल हो गया है। और बना रही हूँ कोहरा का फूल का, कोहरा का फूल है इसका चक्का, क्या बोलते हैं पकौड़ी, कोहरा का फूल का पकौड़ी बनाऊंगी। कोहरा को क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं, कद्दू। और यही सब्जी दाल बनाए हैं और कुछ नहीं, दाल भात आलू और कद्दू का पकौड़ी और पपीता का सब्जी। सुबह पनीर बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनता है सब्जी। और टमाटर हो गया है, अभी तो कम गया है, अभी हो गया है 100 रुपया केजी, अभी 100 रुपया केजी हो गया है यहाँ पे, हम लोग के यहाँ 100 रुपया केजी है, और दूसरे जगह पता नहीं कितना है कितना नहीं है। तो इसमें ये जो पकौड़ी के लिए मसाला रखे हैं इसमें भी डालना पड़ेगा, इसमें डालेंगे जीरा, धनिया, नमक, हल्दी और क्या डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, बस यही सब। और हाँ, पपीता में भी कसूरी मेथी डालेंगे, तो इसका कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद और अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खा के। तो चलिए खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद पूजी के लिए बनाना है मुझे नारियल का मिठाई, तो बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोग से। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट ना, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, पूछी को कुछ कुछ सामान वगैरह लेना है, तो वही हम लोग जा रहे हैं, उसको शाम को निकलना भी है। हम लोग मंदिर बाबा का दर्शन करने, कुछ सामान था वही देने आए थे बाबा के यहाँ। पूछी को भी सोचे, बोले यहाँ पूछी भी दर्शन कर लेगी बाबा का, बहुत दिन हो गया था, तो माथा टेकने आ गए,
तो बाबा का दर्शन भी हो गया। और यहाँ से चलते हैं, फिर मार्केट जाना है। और ये नीचे हैं, और यहाँ पर भी गेट बन रहा है, मंदिर का गेट लगेगा यहाँ, गेट यही गेट रखा हुआ है यहाँ। चलिए तो बाबा का दर्शन आप लोग को भी करवा दे रहे हैं। हटो हटो, बाबा का दर्शन करवाने दो। सामान हो गया है पैकिंग। कितना सामान लेके जाती है, बिस्किट है, एक तो थाली खरीद के लाई थी नासिक से, इसकी मौसी दी थी दो थाली, एक इसके लिए एक बाबू के लिए नहीं दी थी। और इसमें है घी, अचार, उसमें क्या है, इसमें क्या हमें कब आ बिस्किट में उसी रंग पूरा चीटी लागल है, पॉप है। और इसमें सामान अभी आया है जियो मार्ट से, जो लेके आए हैं वो सब सामान है। इधर ही इधर अपना कॉस्मेटिक भरा रही है। जियो मार्ट से यही सब सामान आया है, कुचरा खुचरी कुची अपना ले जाने के लिए लेके आई है। आज बहुत दौड़ा दौड़ी हो गया, और यहाँ पे अभी पूछी जाने के लिए रेडी हो गई है। बाबू पूछी दोनों ही जा रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पूछी को टीका वगैरह लगा रही हूँ, और खाने के लिए हल्का फुल्का कुछ दे दी हूँ कि रास्ते में खा लेना, क्योंकि घर से खा के जाना इन लोग को पसंद नहीं है ज़्यादा हेवी खाना। तो यहाँ पे मैं बाबू को भी, बाबू भी हल्ला कर रहा था कि मम्मी मैं तो कल आ ही जाऊँगा, फिर आ मुझे भी टीका लगा रही हैं। तो कोई बात नहीं, तुम भी जा रहे हो, तुमको भी टीका लगा दे रहे हैं। दोनों भाई को लगा दिए टीका, और इसके बाद दोनों निकल गए जाने के लिए। मुझे बुरा भी लग रहा है, और यहाँ गाड़ी पर बैठ कर ये जा रहे हैं छोड़ने, छोड़ के आ जाएंगे। बाय बाय बाबू। बच्चे चले गए, फिर घर हो गया खाली। दो चार दिन के लिए आया था, लोग भरा भरा लग रहा था, फिर चले गए। अभी फिर खाली हो गया घर, और बाबू तो आ जाएगा दो तीन दिन के बाद, पूछी को छोड़ने गया है। वो भी अपना सामान वगैरह लेके आ जाएगा, क्योंकि अब वो यहीं पे रहेगा, उसका पढ़ाई कंप्लीट हो गया है तो यहीं रहेगा। और पूछी का कॉलेज 1 तारीख से ही खुल गया था, पर आने में उन लोग लेट हो गया था वहाँ से, कलकत्ता से, तो इसीलिए फिर संडे को पूजा था घर में, फिर मंडे को रेस्ट लिया लो, कल फिर ट्यूजडे को था श्री का बर्थडे, तो और उसके बाद आज का टिकट हुआ था जाने का, तो वही आज गया है लोग, देखते हैं फिर आएगी राखी में फिर आएगी एक दो दिन के लिए, उसके बाद फिर जाएगी तो क्लास, क्योंकि अभी मैम का भी फ़ोन आया था कि अब क्लास एक दिन भी मिस नहीं करना है उसको। तो बस यही है आज का ब्लॉग में, बस बच्चे लोग गए, बस शाम को गए थे वही, इसके लिए थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ा बहुत खाने का सामान वामान लेने, वही सब था। और ये गए अभी छोड़ने, तो अभी तक आए नहीं है छोड़ के बच्चों को, पता नहीं बस शायद लेट है इस वजह से नहीं आए हैं क्या। तो चलिए यही छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो नए हैं अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, कोई भी नया वीडियो डालूंगी इसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।